खबर सितारगंज से है, जहां इस बार दशहरे पर रामलीला मैदान में 50 फीट का रावण और 45 फीट का कुंभकर्ण का पुतला जलाया गया। मुख्य रूप से कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला देखने आए सभी श्रद्धालुओं को श्री राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। युवा पीढ़ी को अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, हमेशा अच्छे विचारों का पालन करते हुए समृद्धि का मार्ग चुनना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस बार सितारगंज में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सितारगंज क्षेत्र में भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठे, आसपास के गांव वाले भी आ गए। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। पुत्र हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूजा कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने शुभ दिन दशहरे पे आज आपके लिए समस्त क्षेत्र वासियों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को इस मंच से अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दशहरे की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और यही प्रार्थना करूँगा भगवान श्री राम से कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे, हमारा क्षेत्र विकास के रास्ते पर अग्रसर रहे, उत्तराखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर रहे और हमारा देश जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके एक विकसित देश बनकर आगे निकले, ये प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आप सबसे नहीं कहूंगा, अभी रावण दहन का समय आ गया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रामायण से छोटी सी सीख हमको लेनी चाहिए।